आदाब। पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदी मकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। असम एनआरसी को लेकर के हर जगह अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और असम एनआरसी में जिस तरीके की बेरुखी भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार ने दिखाई है वो खुल करके अब लोगों के सामने आ चुकी है, क्योंकि असम एनआरसी को लेकर के आज पहली लिस्ट जारी कर दी गई जिसमें से 19 लाख लोगों को रातों रात उनकी ही जमीन पर बेदखल कर दिया गया। इसी सिलसिले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शारिक अदिल यूसुफ। इनसे बात करने से पहले ही जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। असम एनआरसी का दूसरा और आखिरी मसूदा भी सामने आ गया है और इसमें AIUDF के विधायक अनंत कुमार मालो का नाम शामिल नहीं है। मालो उन 19,06,657 लोगों की लिस्ट में शामिल है जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में जगह नहीं मिली है। जिन लोगों ने अपना नाम चेक नहीं किया है वे आवेदन रसीद संख्या का इस्तेमाल कर अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं। एक खबर के अनुसार एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने कहा कि इनमें वह लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा ही नहीं किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय रजिस्टर की अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले सरकार ने असम के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर रखी है। यह सूची ऑनलाइन जारी की गई है। जिन लोगों को एनआरसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने अपील दायर करने की समय सीमा को भी 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। लिस्ट जारी होने से पहले असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि आपका नाम एनआरसी में नहीं आता है तो घबराए नहीं, शांति बनाए रखें। आपको बता दें कि भारतीय सेना से रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर JCU मोहम्मद सनाउल्ला इस साल उस उक्त सुर्खियों में आए थे जब फॉरनर्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी घोषित करते हुए डिटेंशन कैंप में भेज दिया था। फाइनल असम एनआरसी लिस्ट में सनाउल्ला अपना नाम शामिल कराने में असफल रहे। एक खबर के अनुसार फाइनल लिस्ट में सनाउल्ला की दोनों बेटी और एक बेटे का भी नाम गायब है। हालांकि सनाउल्ला की पत्नी का नाम इसमें शामिल है। असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट में शनिवार की सुबह जारी की गई। इसमें करीब 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया है। इन लोगों को अब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अपील दायर करनी होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के पहले के आदेश को निरस्त नहीं किया जिसे सनाउल्ला को विदेशी करार दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई आगे जारी रहेगी। भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार 52 वर्षीय सनाउल्ला ने साल 1987 में फोर्स ज्वाइन किया था। तो दोस्तों, देखा कि किस तरह रातों रात जिसने देश के लिए जंगे लड़ी और पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मोहम्मद सनाउल्ला तब ये कह कर के लड़े थे कि वो भारतीय हैं, पर अब असम एनआरसी की लिस्ट आने के बाद उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया है। तो एक तरफ हमारे पीछे आप मौलाना बदुद्दीन अजमल साहब को देख रहे हैं जिनके विधायक को रातों रात विदेशी घोषित कर दिया गया। शारिक, एक तरफ हमारे मोहम्मद सनाउल्ला हैं और एक तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल, दो बड़े नाम, और इस तरह असम एनआरसी से
इनके नाम गायब होना कितने बड़े सवालिया चिन्ह खड़े करता है रिपोर्ट पर और भारतीय जनता पार्टी पर। अब किस बेसिस पे एनआरसी को लागू कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, और अभी तक एनआरसी जो प्रॉपर तरीका है किसी को भी आइडेंटिफाई करने का, एनआरसी में इतना सारा लूपहोल है कि अगर आप किसी के एंसेस्टर को अगर आप यहाँ पे नहीं मान रहे हैं तो सिटीजनशिप, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर किसी को सिटीजनशिप मिल रहा है तो क्या एनआरसी आने के बाद उसकी सिटीजनशिप भी वापस ली जाएगी? अगर कोई आदमी 20 साल पहले आके अगर हिंदुस्तान में रहना शुरू किया है और उसके पूर्वज यहाँ पे नहीं थे तो क्या उससे उसकी सिटीजनशिप छीनी जाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। और जब इस तरह के लोगों के साथ जब हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कुछ, क्योंकि जब एक शख्स आपके मिलिट्री में रह चुका है अगर आप उसके सर्विस को अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आप पूरे देश के 1 अरब लोग से भी ज़्यादा को आप सेटिस्फाई करने की बात कैसे कर सकते हैं? मतलब तो वो अपने में बहुत बड़ा सवाल है, और सरकार अभी तक तो जवाब ना दे पाई है और ऐसी देती भी नहीं है और ना ही कभी देगी। तो असम एनआरसी में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हुई और उसमें 19 लाख लोगों को बेदखल कर दिया गया, ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि उन 19 लाख लोगों में खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर नहीं होता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनआरसी के नाम पर राजनीति करना चाहती है। कितना अजीब हो गया है मतलब ये देश का सोच, और कितनी अजीब माहौल हो गए हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुस्लिम यहाँ तो पैदा नहीं हुए थे, मुस्लिम आए हैं बाहर से, और इसका कोई इस पर कोई दो राय नहीं है कि आए हैं। और लेकिन उस समय के जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने उनको अपने भाई की तरह देखा, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो भी किया लेकिन जब वो आए थे तो हिंदुस्तानियों ने उन्हें एक्सेप्ट किया था, अपना मान के उन्हें रखा था। ऐसे अगर चीन से कोई आता था, अगर कोई ट्रैवलर या इस तरह के कोई लोग भी अगर आते थे तो हर हिंदुस्तानी ने उसको एक अपनापन दिया। तो अब ये एनआरसी ला के वो जो हिंदुस्तान जब से मतलब रहा है इतिहास में तब से लेके आज तक की प्रथा को खत्म करते हैं कर रहे हैं ये लोग, और बोल रहे हैं कि एक नया हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं। ये जो 2 लाख लोग 20 लाख जो लोग हैं उन लोगों का क्या होगा, वो लोग कहाँ जाने वाले हैं, उनका घर क्या है? अगर आप ये चीज का आंसर नहीं दे सकते हैं तो आप एनआरसी लागू करने के भी आपके पास राइट्स नहीं है। शारिक, जैसे ही हम लोगों ने देखा कि असम एनआरसी लिस्ट में 19 लाख लोगों के नाम को बेदखल कर दिया गया और उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया, जिसमें मोहम्मद सनाउल्ला और AIUDF यानी कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के विधायक अनंत कुमार मालो का भी नाम उसमें शामिल नहीं है, पर एक अलग रुख देखने को मिला है मीडिया का। इस पर रिपोर्ट आने के बाद इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है। क्या ये ऐतिहासिक फैसला है या उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जिन लोगों को बेदखल कर दिया गया? बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं था कि हिंदुस्तानियों को ही बेदखल किया जा रहा था उनके कौम से, और अब हिंदुस्तानियों को ही अगर उनके घर से बेदखल किया जा रहा था, बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला ही करेगा। तो मीडिया की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं आप इसमें? मीडिया ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते कि मीडिया क्या कर रही है, लेकिन वही लोग हैं जो बैठ के दिन रात उसी मीडिया को देखते हैं और उसी मीडिया की गुणगान गाते हैं और बाद में आके बोलते हैं कि मीडिया क्या मजाक कर रहा है। तो जो मजाक मीडिया कर रहा है वही मजाक लोग कर रहे हैं, और अगर ये वो टाइम है कि अगर लोग अभी अपनी सोच सही नहीं करते हैं और अभी सही डायरेक्शन में नहीं देखते हैं, तो जैसा कोई अंग्रेज जिस तरीके से आज बांट के चला गया तो कल भी शायद हिंदुस्तान के वैसे ही टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। आज अगर ये एक स्टेट को अलग करने के लिए लोग मांग कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि कल स्टेट को कंट्री से अलग करने की मांग करेंगे, तब उस मोमेंट में आप क्या करिएगा? आप हर बार मार के बताइएगा या हर बार दबा के किसी को अपनी बात सामने रखिएगा? तो मीडिया का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है और बिल्कुल क्लियर है जैसे, और ये बात हर बार ये बात आती है कि जिस तरह के स्लग्स और जिस तरह की हेडलाइंस भी इस्तेमाल करते हैं वो अपने में इतनी ज़्यादा विवादित होती है और वो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती है, लेकिन फिर भी उसको लोग इस तरीके से देख रहे हैं जैसे यही मेन स्ट्रीम मीडिया है। दुनिया के और किसी जगह पे इस तरह का न्यूज़ नहीं दिखाया जा रहा है कि राम वर्सेज अल्लाह चल रहा है या जीसस वर्सेज अल्लाह चल रहा है, ऐसा तो कहीं और की न्यूज़ में तो अभी तक नहीं देखा मैंने, फिर हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? असम एनआरसी की पहली लिस्ट आने के बाद देश में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मोहम्मद सनाउल्ला जिन्होंने देश की सेवा की,
उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो AIUDF के विधायक का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है कि वो भी विदेशी घोषित कर दिए गए हैं। पर सवाल ये कि उन 19 लाख लोगों का क्या होगा, उन्हें कहां रखा जाएगा और उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जाएगा, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे शारिक अदिल यूसुफ, जिनसे जाना कि किस तरह NRC के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। तो मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने जुड़ता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।